नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट मैन भोजपुरिया। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की फिल्में, गाने और एल्बम आते हैं, लोग काफी पसंद भी करते हैं और साथ ही साथ लोगों को ये फिल्में, गाने और एल्बम देते हैं उनके सुपरस्टार्स। जी हाँ, जो सुपरस्टार्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो अपने कुछ खास फोटोज, वीडियोस और पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर अपने फैंस तक अपनी ये खास बातें पहुंचाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए ही फैंस का ढेर सारा प्यार मिलता है उनके स्टार्स को और सुपरस्टार्स को। बता दें आपको कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारी फिल्मों को लेकर भी काफी चर्चाएं सामने आती हैं। वहीं अगर बात की जाए वहां के खूब सारे जो भी भोजपुरी के सुपरस्टार्स हैं उनकी, तो बता दें आपको कि इन दिनों सुपरस्टार्स की बात ही कुछ और है और साथ ही साथ सुपरस्टार्स के साथ ही साथ कई सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं और लोग उनको, उनकी फिल्मों का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। बता दें आपको कि भले ही वो भोजपुरी के स्टार्स हों या फिर वो बॉलीवुड के स्टार या फिर हिंदी टीवी टेलीविजन के स्टार्स या फिर हॉलीवुड किसी भी इंडस्ट्री के स्टार हों, वो अपने फैंस से रूबरू फिजिकली नहीं हो सकते। ये बात माननी होगी क्योंकि उनके फैंस की तादाद लाखों करोड़ों में होती है और करोड़ों लोगों से मिलना एक आम इंसान के लिए, एक इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और एक टाइम में अगर उन्हें अभी अपने सारे फैंस तक कोई खबर पहुंचानी है तो उसका सिर्फ एक ही जरिया होता है और वो होता है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर इन दिनों तमाम तरह के ऐप्स आते हैं जिनके जरिए वो अपने फैंस से जुड़े रहते हैं। आप कह लीजिए फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और भी तमाम तरह के सोशल साइट्स। बता दें आपको कि इन्हीं सोशल साइट्स के जरिए जो स्टार्स होते हैं वो अपनी कई सारी फोटोज, वीडियोस और पोस्ट के जरिए अपने फैंस तक अपने से जुड़ी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी तमाम तरह की अपडेट्स अपने फैंस तक पहुंचाते रहते हैं। वहीं बता दें आपको कि इन दिनों भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के स्टार्स हैं जो कि अपने फोटोज, पोस्ट और वीडियोस के जरिए अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं और जुड़े रहते हैं। तो अगर आज के कुछ फोटोज, पोस्ट और वीडियोस में मैं आप सभी के सामने जो लेकर आई हूँ वो भी काफी खास हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है सोशल मीडिया मस्ती। और सोशल मीडिया मस्ती एक आम आदमी से लेकर और खास स्टार्स तक काफी ज्यादा पॉपुलर रहती है और हर कोई अपनी सोशल मीडिया मस्ती करता हुआ नजर आता है। तो वही अगर पहले पोस्ट की बात करें तो वो है भोजपुरी की उभरती हुई अदाकारा काजल यादव की। बता दें आपको कि काजल यादव 2018 में ही, ऐसा कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था उन्होंने, और भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद से उन्होंने एक के बाद एक फिल्में करने शुरू कर दी और कई सारे स्टार्स के साथ भी उन्होंने फिल्में की और काफी कम टाइम में वो एक खास चेहरा बनकर उभरी और आज उनका काफी ज्यादा नाम सुनने में मिलता है। बता दें आपको कि काजल यादव के पास आज भी कई सारे हिट फिल्में हैं जो कि आपको 2019 में देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ उनकी खूबसूरती और उनकी लटके झटके की दीवाने हर कोई है और उनके फैंस उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बता दें आपको कि काजल यादव एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने काफी कम टाइम में अपने आप को उन एक्ट्रेसेस में शुमार कर लिया है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की पहचान कही जाती है। और अगर उनके इस पोस्ट की बात करें तो वो नजर आ रही है चॉकलेटी कलर के क्रॉप टॉप पहने हुए और साथ ही साथ एक शॉर्ट स्कर्ट पहना है और बूट पहना है और साथ ही इस लुक को कंप्लीट करते हुए उन्होंने कैरी किया है व्हाइट कलर का खूबसूरत जैकेट। बता दें आपको कि काजल यादव जहां भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी लटके झटके और खूबसूरती के लिए जानी जाती है तो वहीं वो अपने लुक्स को लेकर भी फैंस के बीच बनी रहती है और एक फिट फिगर और साथ ही साथ उनकी खूबसूरती लोगों को काफी पसंद आती है। बता दें आपको कि काजल यादव के पास इन दिनों तमाम तरह की फिल्में हैं जो कि आपको 2019 में देखने को मिलेंगी। तो वहीं अगर अगली फोटो की तरफ बात करें तो बता दें आपको कि वो है आप सभी के फेवरेट पावर स्टार शेर कहे जाने वाले एक्टर पवन सिंह। जी हाँ, पवन सिंह इन दिनों जहाँ अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर चर्चे में हैं तो हाल ही में उनके कई सारे एल्बम भी सामने आए और साथ ही साथ
उनकी कई फिल्मों की लिस्ट भी सामने आ गई है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि पवन सिंह की 32 के आसपास फिल्में 2019 में आपको देखने को मिलेंगी। कई सारी फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन कई सारी फिल्म की शूटिंग 2019 में की जाएगी और लोगों को 2019 में भरपूर एंटरटेनमेंट देने के लिए पवन सिंह ने अपना पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज तैयार कर लिया है। वही अगर इस फोटो पर नजर डालें तो बता दें आपको कि इस फोटो में पवन सिंह नजर आ रहे हैं, पिंक शर्ट और ब्लू जीन्स पहने और साथ ही गले में है ढेर सारी सोने की चेन, और साथ ही साथ अपने लुक को कंप्लीट करते हुए दबंग अवतार दिखाते हुए पवन सिंह ने टाई अप किया है खूबसूरत गॉगल्स। बता दें आपको कि ब्लैक गॉगल्स पहने पवन सिंह काफी दबंग अंदाज में चलते हुए नजर आ रहे हैं और उनके आसपास खड़े हैं उनके बॉडीगार्ड्स और बॉडीगार्ड्स के साथ वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें पवन सिंह की तो इन दिनों उनकी तमाम तरह की फिल्में चर्चे में हैं और लोग उनकी फिल्मों को काफी पसंद भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में लोगों के दिल में ढेर सारे सवाल हैं और साथ ही साथ उनकी फिल्मों को लेकर लोगों के बीच में बेसब्री देखने को मिल रही है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनकी आने वाली फिल्मों का। हालांकि बता दें आपको कि फिलहाल पवन सिंह फिल्म क्रैक फाइटर की शूटिंग में बिजी हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी और इसका पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और लोग जल्द ही इस फिल्म को पर्दे पर देख भी पाएंगे। तो वही अगर अगले पोस्ट की बात करें तो बता दें आपको कि अगला पोस्ट है रानी चटर्जी का। बता दें कि रानी चटर्जी के इस पोस्ट में रानी नजर आ रही हैं पर्पल कलर की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहने हुए और साथ ही साथ एक भारतीय नारी के अंदाज में नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि इस फोटो में अगर रानी चटर्जी के आप सोशल साइट पर देखेंगे इस फोटो को तो बता दें आपको कि वो काफी ज्यादा वेट लॉस की हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, उनका वेट काफी कम दिखाई दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रानी चटर्जी इन दिनों अपनी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा चर्चे में हैं और हमेशा ही और कई दिनों से पिछले कुछ टाइम से उनकी कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर जिसमें वो एक्सरसाइज और योगा करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि कई बार रानी को ज्यादा वजन होने की वजह से लोगों ने ट्रोल भी किया था, लेकिन उस ट्रोलिंग का जवाब रानी देने की जल्द ही तैयारी कर रही हैं और इन दिनों उनकी कई सारी फिटनेस फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे ये तो साफ है कि 2019 में रानी चटर्जी अपने फिट फिगर को लेकर आएंगी और साथ ही साथ फैंस को ढेर सारा मनोरंजन हमेशा की तरह देंगी और हो सकता है उससे भी ज्यादा मनोरंजन दे। हालांकि बता दें आपको कि रानी चटर्जी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारी फिल्में कर चुकी है और उन्हें हर कोई जानता है और उनकी अदायगी का हर कोई काफी दीवाना है। तो वही अगर बात करें अगले पोस्ट की तो बता दें आपको कि ये पोस्ट है फिल्म काजल के शूटिंग लोकेशन की, जहां पर फिल्म काजल की शूटिंग हो रही है जिसमें काजल यादव मुख्य भूमिका में है और साथ ही साथ उनके हैं एक मनमोहन मिश्रा कहा जा रहा है या कोई और एक्टर हैं जिनका नाम फिलहाल मेरे को याद तो नहीं आ रहा, लेकिन वो भी जबरदस्त एक्टिंग करते हुए नजर आने वाले हैं इस फिल्म में और साथ ही साथ इसमें कई सारे ऐसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं जो कि नए चेहरे हैं लेकिन उनकी एक्टिंग दमदार है। तो वही अगर अगले फोटो की बात करें, अगले पोस्ट की बात करें तो वो है पवन सिंह की तरफ से। बता दें आपको कि उनकी हाल ही में एक एल्बम रिलीज हुई है जिसका नाम है बलम हुआ नया साल के। बता दें आपको कि बलम हुआ नया साल के एल्बम अभी हाल ही में रिलीज किया गया और इस एल्बम को हर कोई काफी पसंद कर रहा है और साथ ही साथ पवन सिंह के इस एल्बम को ही नहीं बल्कि पवन सिंह के कई सारे एल्बम को लोगों का ढेर सारा प्यार मिलता है और पवन सिंह हमेशा ही अपने फैंस के लिए तमाम तरह के एल्बम और गाने और साथ ही साथ फिल्में भी लेकर आते रहते हैं। वहीं अगर अगले पोस्ट की बात करें तो अगला पोस्ट है आकांक्षा अवस्थी का, जिन्होंने फिल्म दबंग सरकार से भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखे थे और उसके बाद से एक के बाद एक कई फिल्में उनके हाथ में हैं और फिलहाल फिल्म दबंग सरकार काफी ज्यादा चर्चाएं बटोर रही है, जगह जगह इसका धमाका देखने को मिल रहा है। हाल ही में फिल्म दबंग सरकार को यूपी में और दिल्ली में रिलीज किया गया, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ दबंग सरकार फिल्म का स्वागत किया गया और लोगों ने काफी चाव से इस फिल्म को देखा भी। तो वही अगर अगले पोस्ट की बात करें तो वो है अक्षरा सिंह का, जिसमें
जिसके बोल है डार्लिंग तू टाइम पे आ जाना। बता दें आपको कि इस एल्बम को कल रिलीज होने की खबरें आई थी और आज ये एल्बम रिलीज हो चुका है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अक्षरा सिंह जहां भोजपुरी की खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, तो साथ ही साथ उनके कई सारे एल्बम जो हैं काफी आते रहते हैं, जिससे कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी उनका जबरदस्त अंदाज देखने को मिलता है। बता दें आपको कि जो जितने भी एक्टर्स होते हैं, जितने भी सुपरस्टार्स होते हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी सारी जानकारी अपने फैंस को देते रहते हैं और फैंस भी हमेशा इन सभी को देखना पसंद करते हैं और साथ ही साथ उनसे मिली सारी की सारी अपडेट्स जानना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी ही पोस्ट, लेकिन अगली बार मैं फिर से हाजिर होंगी आप सभी के सामने कुछ ऐसी ही पोस्ट, फोटोज और वीडियोज लेकर। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया।